छत्तीसगढ़ से मिल रही खबर के साथ, जहां आज से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में पहले दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन और संसदीय सचिव के मामले पर हंगामा हुआ है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर लिया है। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर बीजेपी ने वॉकआउट किया है। कांग्रेस विधायक सन्नी साहू ने मसला उठाया था, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के पास ही इस वक्त ऊर्जा विभाग है, वही ऊर्जा विभाग देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, पहले दिन किस बात को लेकर हंगामा हुआ? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि आज प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों पर चर्चा थी, क्योंकि निधन का उल्लेख था, इसलिए प्रश्नकाल काफी कम समय के लिए चल पाया और केवल एक सवाल ही उठ पाया। वो सवाल था जो स्थायी और अस्थायी पंपों के लिए किसानों ने आवेदन किए हैं सिंचाई के लिए, लेकिन उन आवेदनों के निराकरण में काफी देर लग रही है और कई आवेदन अब तक पेंडिंग है। कांग्रेस के सदस्य ने ही ये मुद्दा उठाया था, लेकिन इस मसले को बीजेपी के सदस्यों ने लपक लिया और सदन में इस बात को लेकर हंगामा रहा कि आवेदन जो दिए गए हैं वो अब तक पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी को लेकर जब जवाब मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया कि इसका जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा और ज्यादातर लोगों के आवेदन निराकृत कर दिए गए हैं, लेकिन इस पर विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने वॉकआउट कर इस प्रश्नकाल के सवाल पर जो है अपना आक्रोश और असंतोष जो है वो जाहिर किया है। तो प्रश्नकाल में ये मुद्दा जोर शोर से उठा, जिसमें किसानों के सिंचाई पंप को जो आवेदन है उनका निराकरण नहीं होने का मामला था। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।